ताकि उसका दुख दूर हो जाए। इस मालिक को भी बख्श दे, इसके कर्मों को काट। मुझे याद आया उनकी फोटो देखकर, कभी कभी मैंने इनके दर्शन किए। अभी पहले मैंने, मुझे नहीं पता था, जब मैं आ रहा सबको बराबर जानने वाला, विन्यास थे, बेदाग थे, बेगर्ज थे, और अपने पाक दिल से सबको पवित्र बनाते, प्रेम बांटते जाते थे। बहुत तो नहीं देखा, पर जब भी मिले कभी ऐसा अनुभव किया, हम सब यही हाथ जोड़कर, तू तो सब जानता है, तू परवर पिता है, निराकार रहकर अनंत 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 साकार को रच दिया। हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ओ माया है
बाद सभी से कण कण में राम समाया, कण कण में राम समाया। Thank you.
कोई कद से छोटे बड़े, कोई हैसियत से, तो कोई रिश्ते से छोटे बड़े, पर उस ईश्वर की नजर में सब एक जैसे हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, बूढ़ा या जवान नहीं है, सब आत्मा है एक समान। झूठी तेरी
ठीके मत कर तू मेरी सपनी।
करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा संसार में विचरना होता है और गई गई आत्मा के लिए सिमरन करना पड़ता है। और इस सभा में वो जो शोक है उसको दूर करना होता है ताकि उससे निकलकर फिर संसार में तो जीवन काटना ही है, कोई साथ तो किसी के जाकर नहीं। पर गई हुई आत्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो सिमरन कर सकते, ध्यान कर सकते। संसार को मैं देखता हूँ, अपने लिए बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। कभी कभी संसार में विचरते हुए मैं अनुभव करता हूँ कि कभी भी किसी ने किसी दुखी के लिए अपना जप दान नहीं किया, अपना यज्ञ दान नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। तो मेरे परमात्मा वागुरु अल्लाह यगौ जो भी तुम कहते मुझे उससे कुछ नहीं, क्योंकि उसका तो कोई नाम नहीं है, तप है, दान है, पुण्य है, इस दुखी के अर्पण करते ताकि उसका दुख दूर हो जाए, इस मानव को भी बख्श दे, इसके कर्मों को पाप। श्री बंसीलाल जी एक ऐसी मुझे याद आया, उनकी फोटो देखकर कभी कभी मैंने इनके दर्शन किए। अभी पहले मैंने मुझे नहीं पता था, जब मैं आ रहा था तो इनके दर्शन किए। सबको बराबर जानने वाले, विन्यास थे, बेदाग थे, बेगर्ज थे और अपने पाक दिल से सबको पवित्र बनाते, प्रेम बांटते जाते थे। बहुत तो नहीं देखा, जब भी मिले कभी ऐसा अनुभव किया समाज के लोगों को, बशर को, मानुष को मानवता के मार्ग को चलाने के लिए, बांटने के लिए, प्रेम करने के लिए, सिखाने के लिए आए, ऐसा आज मैं अनुभव कर रहा। प्रेम ही बांटने जाते और एक मुस्कान मीठी से, इसी में भेदभाव नहीं रखते। ये जीवन का जो आनंद आता है ये प्राचीन और पूर्व जन्मों के बड़े उत्तम कर्म लेकर जब मानुष आता है तो इस धरती को भी पवित्र करता चले जाता है। पर ऐसा निर्लय आत्मा है, बहुत निर्लय, बहुत निर्लय इस धरती पर आती है, जो अपनी सुगंध, अपनी मिठास, अपनी सरलता और साथ में अपनी सादगी संसार को दे जाते हैं, एक मार्गदर्शक बनकर जाते हैं। ऐसा जीवन जीने का एक अलग परमात्मा का रूप उनमें विचरता है। ये ध्यान रखना, पर हर कोई नहीं होता, कोई भी आप जिसकी पूर्व जन्म की कमाई और फिर उस जन्म इस जन्म में भी आकर प्लस कर दिया, उस कमाई को और बढ़ाना, नाम की कमाई को, सेवा और सिमरन की कमाई को और अपने आप को इस काजल की कोठरी में रहते हुए भी अपने को दाग ना लगने देना। जैसा कबीर साहब ने कहा, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि क्यों दर्द दे। विरले लोग होते हैं जीवन में जो परमात्मा की तरफ से आते हैं, और ये आज मैं देख नहीं रहा हूं कि सबने प्रेम बांटते चले गए, प्रेम बांटते चले गए जीवन का। ध्यान रखना, माहौई भी मानुष क्या, पशु पक्षी क्या, एक ही तरह से उसका जन्म होता है माँ का गर्भ से, और सारा संसार क्या देवी देवता, क्या अवतार,
या योद्धा सब मानुष एक ही तरह से जाते हैं, मृत्यु की गाल से जाते हैं। किसी का राख बनता है, किसी का खाक बन जाता है, पर पीछे जो थोड़ा सा समय 50, 60, 70, 80 साल जो इस संसार में वो विचरण करते हैं, उनका जीवन वो कैसा होता है ये अलग बात है। कोई अपने फूलों से मुस्कान, फूलों से महक छोड़कर चले जाता है, और कोई धन इकट्ठा करके झूठ कपट करके दुख पाता हुआ शरीर में, रोग पाता हुआ, कल्पता हुआ अहंकार में चला जाता है। जाते समय ये जीवन का सार है, ये ध्यान रखना है, इससे निकलना है जीवन में। मृत्यु एक आनंद है, जो मैंने देखा अपने जीवन में, मृत्यु एक आनंद है उनके लिए जो उस पर्वत दीवार को, शहनशाहों के शहनशाह को सदा साथ रखते हैं, और उसकी नियामतें जो मिलती हैं वो कहते हैं ये तेरी नियामतें हैं, तूने दी है। अभी सुन रहे थे ना, सब ऊपर से चलता है, पर वो तुम्हारी कर्मों के अनुसार जैसा बीज हम बोते हैं वैसा फल, वैसा फूल उसका तुम पाते हो। और कुछ नहीं है, बहुत लोग कहते हैं ग्रह चाल है, शनि है कि शुक्र है कि बुध है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि शुक्र धरती है, बुध शुक्र ऊपर धरती है, मंगल एक धरती है, शनि एक धरती है, उस धरती ने आपसे क्या लेना, ध्यान रखना। जो इतने वहमों में हमारा समाज पड़ा है, ये धरतियां तुम्हारे से क्या लेना है, जो तुम्हें सुख मिल रहा है, जो तुम्हें दुख मिल रहा है, जो तुम सोच रहे हो, ये सब तुम्हारा जन्मों का कर्मों का खेल है। ये तो प्रभु कृष्ण ने भी गीता जी ने बहुत सुंदर ज्ञान किया है, कभी अनुभव करके देखो। वेद व्यास जी ने इतना निचोड़ा, इतना सुंदर व्याख्यान दिए जीवन की कला को सीखने के लिए। ये सुंदर जीवन है, मानुष का जीवन है, मानवता करते हुए इस संसार से जाए, जैसे श्री बंसीलाल जी गए, एक मानवता बिखेर कर, प्रेम बिखेर कर जाना, ये जीवन का रस है, यही जीवन है। धन का बहुत आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान किया कि नहीं, मानवता के पथ पर सारी दुनिया को, जहां तक धरती और आकाश है उसमें जीवन जितने भी प्राणी रहते हैं, क्या उनके लिए आपने दोनों हाथ उठाकर इस सबका भला मांगा कि नहीं? नहीं मांगा तो तुम अपने स्वार्थ में हो, फिर तुम दुख और सुख में हो। ये जीवन की कला है, ये ध्यान रखना, यही साथ जाता है। जो आज आप देख रहे हैं ये सारा संसार के लोग उनकी प्रार्थना में शामिल हुए, तो समय है, इतना ही समय मिला हमें, ज़्यादा समय का समय नहीं है, क्योंकि 5.5-7 मिनट ही मिले थे, मैंने 5-2 मिनट ऊपर ले लिए। तो सबसे एक बात मेरी जाते जाते 2 मिनट के लूँगा, सब जहाँ भी कोई बैठा है सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और उस जो आज आत्मा हमारे में नहीं है दीदारी, उसके लिए थोड़ा 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें सच्चे मन से। जिस भी तुम इष्ट को भूल चुके हो, जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी नाम लेते हो, कहते हैं कि परमात्मा सत्संग में मिलता है, हम सारे उसकी आत्माएं हैं, मिलकर प्रार्थना करें, तो सब आंखें बंद कर ले। ओ करने वाले कण कण में समाये हुए
सब जीवों की पालना करने वाले, रक्षा करने वाले, एक सांस भी मानुष का जन्म जिंदगी देने वाले, तू बेअंत है, असीम है, अनादि है, तेरी महिमा का कोई पारावार नहीं, तू सबके अंदर बैठा, सबके कर्मों को जानता है। आज हम सब तेरी आत्माएं यहाँ बैठकर श्री बंसीलाल जी जो आपके चरणों में बैठे, आपका आनंद ले रहे हैं चरणों का, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस गई हुई आत्मा के लिए। ए परमात्मा, कल कल में तेरा नूर है, उस आत्मा को संतों महात्माओं पीरों फकीरों योगियों और ऋषियों वाली सतगति देदार करना। हम सब यही हाथ जोड़कर, तू तो सब जानता है, तू परवर विदा है, निराकार रहकर अनंत 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 साकारों को रच दिया, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ओ आप ही का जो प्रोग्राम होगा वो देखेंगे परिवार वाले। श्रद्धेय स्वामी विश्वास जी, जिन्होंने आज की सभा को ज्ञान सभा का नाम देकर सच में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे परमादरणीय बाबू बंसीलाल जी नागपाल, जो नागपाल परिवार के ही स्तंभ नहीं थे, मैं समझता हूं कि इस महानगर में जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं या जो पुराने वो मेहनत कश लोग जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये सारे चिराग मैंने अपने लहू से जलाए, ये सारे चिराग मैंने अपने लहू से जलाए हैं, यूं ही जुगनू पकड़कर घर में उजाला नहीं किया। मच्छा सिंह परम श्रद्धेय पंडित जी, विष्णु शर्मा जी वचनों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के बारे में बता रही श्रद्धेय श्रद्धेय बहन मिंजा जी, और आज की इस प्रार्थना सभा में हमारे सबके प्रेरणा स्त्रोत्र हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा कुलंद भल्ला जी, श्री बंसीलाल नागपाल जी के जीवन के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूं तो मैं समझता हूं कि निश्चित यहां शब्द छोटे पड़ जाएंगे, शब्दों की कमी मुझे खटकेगी। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसको शब्दों में बांधना लगभग असंभव का है। पाकिस्तान के सरगोधा जिले के जरकल गांव में 1934 में श्री नारायण दास जी एवं उनकी माता श्रीमती नारायणी देवी जी के घर हुआ।
नारायण और नारायणी का स्तोत्र कैसा होना चाहिए, इसका जीवन प्रधान उन्होंने अपने जीवन काल में दिया। और आगे उनकी धर्मपत्नी हमारी श्रद्धे माता श्रीमती शांति नागपाल जी, उन्होंने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं मानवीय कार्यों में निरंतर सहयोग दिया। भले ही वो इन ज्योति स्कूल की बात करूं जो उत्तराखंड में है, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना और उन्हें ये एहसास ना होने देना कि हम लोग किन्हीं गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करना कि वो लगे कि वो भी समाज का जो अग्रणीय वर्ग है उसमें उन बच्चों की तरह उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रहती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रहती है, तब जाकर होता है पैदा कोई दीदावर ऐसा, कोई रिश्तेदार पिछड़ा या समाज में किसी ने कन्या की शादी कर ली तो तुरंत प्रभाव से उसकी सहायता के लिए उसके बिना कहे उसके काम के लिए खड़े होना, ये उनके स्वभाव, ये उनकी दिनचर्या, ये उनकी कार्यशैली, इसको शब्दों में कोई भी रूप दे दूं। और कहते हैं व्यक्ति के जाने के बाद कुछ उसके व्यक्तित्व के बारे में नई नई चीजें सुनो। मुझे पर भाई बता रहे थे कि भाऊजी के जाने के बाद जब उन्होंने अपने अपने कारखानों में दोबारा जाना शुरू किया तो जो उनके स्टाफ के सदस्य थे, फैक्ट्रियों के कर्मचारी, तभी उन्होंने उनको कर्मचारी नहीं समझा, उनके हर दुख सुख की चिंता वो अपने बेटों से अलग होकर अतिरिक्त तौर पर भी करते थे। किसी कर्मचारी के यहाँ कोई दुख सुख है तो उसको अपना दुख वो मानते थे, इधर कोई बेबस बहाता था आंसू उधर भी जाता था दामन तुम्हारा। और यही उन्होंने जो भौजी दो भाई श्री बंसीलाल जी और बंसीलाल जी छोटे थे उनके बड़े भाई कृष्णलाल जी हैं, उनको पिता तुल्य सम्मान दिया, भाभी को माता तुल्य सम्मान दिया, वैसे व्यक्तित्व के स्वामी चार बहने और आगे सात संतानें, बड़े पुत्र बीसी नागपाल जी, गुरु बापू की धर्म सुपत्नी सुमन नागपाल जी, गुरिंदर नागपाल जी, नीलम नागपाल जी, बिट्टू नागपाल जी, सीमा नागपाल जी, सतीश नागपाल जी, अर्चना नागपाल जी, देवेंद्र नागपाल जी, सोनिका नागपाल, और बेटियां रेणु, करड़ा, दिमाग, दवा, दमाग, तिलकराज जी,
कारण कोमल बजाज दमा सुरेश बजाज जी और ग्वालियर से जो बत्रा परिवार इनके संबंधी चुप परिवार विमल परिवार बत्रा परिवार मदनलाल जी खेड़ा परिवार अरोड़ा परिवार मुन्नापुर एवं डॉक्टर सचदेवा परिवार जग्गी परिवार अरोड़ा परिवार फरीदाबाद एवं पंचकूला सेठी परिवार लुधियाना पूरन चंद जी मदान जो बहू जी के भांजे हैं और श्रीमती शांता बत्रा जी जो उनकी भांजी और उनके पुत्री श्री राम बत्रा जी बहादुर चंद जी के संबंधी श्री मनमोहन जी एवं पवन कत्याल जी जगाऊ इंद्रजीत कपूर एवं परिवार त्रेहन परिवार जगी परिवार बवेजा परिवार ये सब बहुत ही जिसको कह सकता हूँ कि एक परिवार कहने में रिश्तेदारियों में संबंधी कह सकते हैं लेकिन सबको उन्होंने अपने छांव में पाला रूही बेटी पोत्री गौरव कपूर मोहित पोता और शिफाली जिनी सनी गजल अभी जूही पवन कत्याल विलाद मायरा नम्रा रिधान शिवा ध्रुव प्रकृति सौंदर्य दामिनी ये सब प्रपोत्र ये इस परिवार की खूबसूरती है कि पांच भाई इकट्ठे कारोबार में इकट्ठा हो और परिवार में इकट्ठा हो परिवार में अंतर हो। आज इतनी बड़ी संख्या में समाज के चाहे मैं धार्मिक क्षेत्र की बात करूं व्यापारिक क्षेत्र की बात करूं शिक्षण संस्थानों की बात करूं औद्योगिक घरानों की औद्योगिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये सभागृह जो आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है और इसमें बैठने का स्थान नहीं है कुछ साथी बाहर भी खड़े होंगे तो लोगों के साथ कितना उनका स्नेह कितना प्यार था। मुझे ध्यान है कि जब पाकिस्तान से आने के बाद वो लुधियाना के पुराना बस स्टैंड के पास अपना फ्रूट का व्यवसाय करते थे तो किसी की ट्रेन निकल जाना या किसी का कुछ होना किसी यात्री के पास पैसे ना होना तो ये अब तो सुविधा का काल है तो बहुत सी ईश्वर की कृपा हो गई लेकिन जब एक एक रुपए के लिए मेहनत करनी पड़ती थी उस समय भी अपनी मेहनत में से उन्होंने किसी को निराश होकर नहीं जाने दिया और आज यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में समाज का प्रबुद्ध वर्ग समाज के समस्त लोग यहाँ एकत्रित है। मेरे पास बहुत से शुभ संदेश आए हैं मैं खड़े होने से पहले नीचे बैठकर नाम लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये शायद नाम बोलने असंभव हो जाएंगे लेकिन जब मैं इस काम को शुरू किया मैंने तो मैंने देखा कि एकदम से जो शहर के भी नहीं प्रांत के विशिष्ट लोग हैं अग्रजन हैं वो बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं। मैं प्रयास करूँगा जिनके नाम ले सका उनके नाम लूँगा जिनके नाम ना बोल सका वो छोटा भाई समझकर मेरे इस धृष्टता को क्षमा करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये समय पर कार्यक्रम हो। टीम पहले ही बच चुके हैं 15 मिनट ये कार्यक्रम लेट जाएगा मैं इसको अगले 15 मिनट में समापन करने का प्रयत्न करूँगा और मेरा ये आपसे आग्रह है सब लोगों से कि आरती होने के बाद ही आप अपना स्थान छोड़ें। जो शुभ संदेश आए हैं सर्वप्रथम मैं उनको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। पंजाब के श्री ग्रुप के
श्री अविनाश चोपड़ा जी की तरफ से शोक संदेश आया है। उन्होंने बीसी नागपाल एवं उनके अन्य भाइयों के साथ अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हुए गहन शोक एवं दुख की अभिव्यक्ति की है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि उनको श्री चरणों में स्थान दें। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी संग्रह वाला शिवाला मंदिर नीरज वर्मा जी की तरफ से शोक संदेश आया है। सुरेंद्र कुमार डाबर MLA साहब खुद भी होते गए हैं, उनका शोक संदेश भी आया है। प्रधान ढाबा की तरफ से भी शोक संदेश आया है। अंकित बांसल जी जो एडवाइजर हैं CM पंजाब के, उनका शोक संदेश भी श्री भूपेंद्र सिंह बसंत जी के माध्यम से आया है। भारतीय जनता पार्टी लुधियाना इकाई की तरफ से भी शुभ संदेश आया है। मेरे वर्मा जी का भी शुभ संदेश आया। संवेदना ट्रस्ट लुधियाना के चेयरमैन सुभाष गुप्ता जी और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी तरफ मंदिर एवं धर्मशाला प्रबंधक कमेटी रजिस्टर्ड, उनकी तरफ से भी शुभ संदेश आया है। धर्मस्थान अरुणवंश धर्मशाला रजिस्टर्ड भारतीय रोडिया ने जी बाबा नगर बाजवा नगर, वहाँ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री रामा सेवक संघ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड लुधियाना, वहाँ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री गोविंद गोधाम सुंदरदास रमीजा जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। नृत्य वेद क्लब रजिस्टर्ड की तरफ से दर्शन रावल जी, नरेंद्र मंडाणी जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। श्री विनोद ठाकुर जी भी इस सभागृह में उपस्थित है। लुधियाना वूलन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। श्री भारत भूषण आशु MLA, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री सुरेंद्र डाबर जी MLA, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। श्री रणवीर सिंह बिट्टू मेंबर पार्लियामेंट, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री शीतल विज जी जो दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक है, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। अभी और बहुत से शोक संदेश मेरे पास पेंडिंग है, लेकिन जो इस सभागृह में उपस्थित महानुभाव हैं, मैं उनमें से कुछ के नाम यहाँ पढ़ने चाहूँगा। श्री महेंद्र गोयल जी जो इस परिवार के सदस्य ही हैं, BC नागपाल जी के मित्र हैं, और महेश गोयल जी भी इस सभागृह में आए हैं। और बहुत ही हमारे आदरणीय सूबा भजन सिंह जी जो कि नामदारी समुदाय के जिला प्रमुख हैं, जगमोहन सिंह जी ओस्टर और गुरबख्शी सिंह जी, तीनों भाई शुभ सभा में उपस्थित हैं। डॉक्टर DR भट्टी रिटायर्ड DGP पंजाब, वो भी शुभ सभा में उपस्थित हैं। भूपेंद्र सिंह बसंत जी, वो भी शुभ सभा में उपस्थित हैं। सुभाष गुप्ता जी वो भी शुभ सभा में चेयरमैन संवेदना ट्रस्ट उपस्थित हैं। सुनील मेहरा जी शिवरात्रि महोत्सव कमेटी, वो भी शुभ सभागृह में उपस्थित हैं। श्री विनय सिंगल जी ईस्ट मेल इम्पैक्स की तरफ से, वो भी शुभ सभा में उपस्थित हैं। श्रीमती बहन लीला टपारिया जी जो महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं भी इस शुभ सभा में उपस्थित हैं। साहूकार सिंह पावा जी चेयरमैन जीवन साइकिल्स, वो स्वयं भी होकर गए हैं और उनकी तरफ से शुभ प्रस्ताव दिया है। श्री अशोक लोत्रा जी, उनकी तरफ से भी शुभ प्रस्ताव आया है, स्वयं भी उपस्थित हैं। श्री स्वीटी अरोड़ा जी, उनकी तरफ से भी शुभ प्रस्ताव आया, स्वयं भी उपस्थित हैं। प्रदीप पंछी जी, अमित मिर्गानी जी, राकेश जैन जी पैदल, हनी बेदी जी, सुनील कपूर जी म्यूनसिपल काउंसलर, शिव बजाज जी, चंचल नागपाल जी, हमारी बहन रचना शर्मा स्कॉलर, और पूर्व राज्य मंत्री श्री चौधरी मदन लाल बग्गा जी भी शोक सभा में उपस्थित हैं। विपन सूद काका जी भी शोक सभा में उपस्थित हैं। कमल चैपली जी भी शोक सभा में उपस्थित हैं। श्री सतीश मल्होत्रा जी रिटायर्ड ADCP, वो भी शोक सभा में उपस्थित हैं। गुलाटी परिवार लवली स्वीट्स वाले भी शोक सभा में उपस्थित हैं।
श्री दर्शन रावत जी इस शोक सभा में उपस्थित है, मोहित जैन जी, अशोक मक्कड़ जी का परिवार, उनके दोनों पुत्र इस शोक सभा में उपस्थित हैं, अजिंदर सिंह बसंत जी, अश्विनी जोशी जी, सूर्य सिंधिया जी, और भी ऐसे असंख्य नाम हैं। अगर मैं उनको निरंतरता में बोलना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद 5 बज जाए फिर भी नाम कंप्लीट ना हो। बाबा जी, हमारे कृष्ण कुमार बाबा जी शोक सभा में उपस्थित हैं, सुनील बढ़िया जी शोक सभा में उपस्थित हैं, श्री प्रवीण बंसल जी शोक सभा में उपस्थित हैं, और मैं प्रार्थना करूँगा क्योंकि परिवार के बच्चों के मन में बहुत से भाव उद्गार हैं अपने दादाजी के प्रति, तो केवल 2-2 मिनट के लिए, 5-6 मिनट का ये कार्यक्रम है, मैं अपनी बेटी कृपया को मंच पर आकर अपनी भावांजलि जो शब्दों के रूप में सुनूं। एक ग्रैंडफादर श्री बंसीलाल नागपाल, 5th April 2018 was the darkest day of Nagpal family because we lost the biggest treasure of our life, that is our grandfather. People like him are truly 1 in a million. And my grandfather was such a great man that it becomes impossible for me to know how great a person he was. He has accomplished a lot of things in his life. Today, whatever we are, it's just because of his endless efforts and his love and blessings. He was not only a loving grandfather, but also a source of guidance for the rest of the family. My grandfather was such a humble man. He never liked to be the center of attraction. But in life, and now even in death, he would not want us to focus on the sadness of his death, but rather focus on the happiness, prosperity of our lives. There are no words to describe how we are dealing with the unbearable loss of our grandfather. When we got to know about the death of him, it was shocking enough, and we tried to prepare ourselves. But the reality is, we can never be prepared to lose our loved ones. He was always my role model. I really miss him a lot. His guidance and love will carry me through the end of my days. Today, his children, grandchildren, and I'm sure everybody here would only want him to rest in perfect peace. We miss you and really love you, God. जेके रोड़ा प्रॉपर्टीज की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, गोल्डन अर्थ कॉर्नर स्कूल की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, गोल्डन बुक कंपनी की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, गोल्डन अर्थ कॉर्नर स्कूल की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, नेटवर्क क्लब की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा रजिस्टर्ड धूरी लाइन करतार दल की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से विपिन सूद जी शोक प्रस्ताव लेके आए हैं, श्री राम चैरिटेबल रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल शहीदान जिनकी जिस अध्यक्ष प्रदीप मित्तल जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया, अरोड़ा महासभा लुधियाना रजिस्टर की तरफ से श्री अमरीश सिंह पत्रा जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। He was the one from whom I believe that blessings did not come through a human, but directly from God. Whenever Mama got into trouble, she used to say, "Main Babaji ke paas hokar aaya." And when she used to come back, after meeting him, the tension automatically disappeared. Like once I remember, Papa was going to China to get some stuff for construction of our houses. And we got the news that there was some terrorist attack at the airport. Mama was so worried that she called Babaji and told him ki aisi sab news hai, and all he said was, "Sab badhiya hoga to chinta na." Mama believed in his words and the tension vanished. There's so many such examples that I've lost the count of. He was truly the backbone of our family. It is very difficult to survive without him. Our wish for him is that may his soul rest in peace. Along with that, I also pray that our family, God give us the strength to bear this huge loss.
Also, I pray that our family still continues to follow his steps and teachings and stay united like always. We all are going to forever cherish his Sukhi Rao Khush Rao, Chinta Na Kar Sab Theek Ho Jayega, Maja Karo. These are not only words but direct blessings from God which always were showered upon us. We will miss you so much, Lord. You will always remain in our hearts. मैं दामिनी बाबूजी की लाडली होती हूँ। उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। दो दिन से ट्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं मिला। सिर्फ इतना कि वो बहुत ही बिंदास थे और चाहते थे कि मैं जो भी करूँ अच्छे से करूँ और पढ़ाई लिखाई करके अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ। कभी का जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जब रोए। ये दोहा बाबूजी के ऊपर बहुत सूट करता है क्योंकि उनके जाने के बाद मैंने हर व्यक्ति को उनके लिए रोते देखा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। मेरे पास कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैंने बाबूजी के साथ कुछ मोमेंट्स उनके साथ स्पेंड करी और पता ही नहीं चला कि कब वो मेमोरीज बन गई। जब छोटे थे तो बाबूजी स्कूल से पिकअप करने आते थे और रास्ते में हमें जंजीरा पिला देते थे। जितना मर्जी मना कर दो लेकिन ज़बरदस्ती पिला ही देते थे और उनके साथ अपने पास बैठा कर बातें करवाते थे और कोई इंटरप्ट करे तो उसकी उसी टाइम में शामिल आ जाती थी कि सुनन दे मैंने वो ये कह दिया। उनके साथ बैठकर बचपन में सूफी गज़लें सुनी हैं जिनका मतलब ना तब समझ आया ना अब, लेकिन पाकिस्तानी म्यूज़िक का शौक विरासत में मिल गया। जाते जाते बाबूजी ने बहुत कुछ सिखा दिया। उनमें से कुछ चीज़ें थी कि इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं बल्कि उन आंसुओं से है जो लोगों की आंखों में और उन यादों से जो लोगों के दिलों में रह जाती है। दूसरी चीज़ जो वो मुझे हमेशा कहते थे, बच्चे कभी झुका मत कर, तू खड़ी रहेगी तो मैं खड़ा रहूँगा हमेशा। एक बार मम्मा ने मुझे कहा कि जा, मैं मम्मी से मिला बाबूजी के जाने के बाद, तो मैं गई। मैंने कहा मम्मी नमस्ते, मुँह से निकलने वाला था कि मम्मी बाबूजी का है। उनकी एब्सेंस कभी फील ही नहीं हुई, अभी भी नहीं लगता कि वो है नहीं यहाँ, नहीं तो कहीं इन द स्काई ऊपर से ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें और गाइड करेंगे थ्रू ऑल दी डिफिकल्टीज। जैसे बाबूजी किसी को भी विदा करते टाइम कहते थे पुत्र मौजा करो जय जयकार, जैसे आज वो उन्हें दुनिया से अलविदा मैं दिल से नहीं दुनिया से उन्हीं के अंदाज में कहती हूँ हैप्पी बर्थडे बाबूजी इन एडवांस, मौजा करो जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जो बाबूजी का स्वभाव था उसके अनुरूप बात कहकर कि फकरे परिवार कुछ खास ही लोग होते जो ये वो हीरे हैं जो हर खान से पैदा नहीं होते। बहुत से और लोग यहाँ सभागृह में बैठे हैं, हमारी छोटी बहन चंडीगढ़ से प्रमिला नायन लोग भी आई हैं और भी बहुत से लोग आए हैं। अंत में केवल पंडित जी से प्रार्थना करो, उससे पूर्व उनके लिए दो लाइनें कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। किसी शायर ने कहा है कि ना हरफ सी जड़ आत्मा पड़ोसों की पुत्र होते हैं, वह किसी प्रकार की गलत यातना को नहीं सहन करते हैं, निश्चय रूप से ही उन्हें सदगति प्राप्ति होती है। हरि ओम Thank you.
दस्तार इतने बोले सो निहाल। मैं प्रार्थना करेगा परिवार वालों के केवल 5 मिनट के सहयोग दे नम्रा और परिवार से वो प्रार्थना है कि चाह और लंगर की व्यवस्था है जहाँ लोगों ने लंगर नहीं खादा पर फिर प्रार्थना है कि लंगर लेकर जाने और बाहर चाह की व्यवस्था है चाह लेकर Yeah.